अस्सलामुअलैकुम माई व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार केक है, ओरियो बिस्किट्स का और रियो बिस्किट्स का, और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत आसानी से बनने वाला ये बहुत मज़ेदार केक है। चलें इसको शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पे चार पैकेट लिए हैं, पांच पैकेट लिए हैं ओरियो बिस्किट्स के और तीन पैकेट लिए हैं रियो बिस्किट्स के। अब आप देख सकते हैं मैंने पांचों के पांचों ओरियो बिस्किट्स जो है वो ब्लेंडर में डाल दिए हैं, और अब इसमें जाएगा एक कप दूध, और कप जो है वो बड़ा वाला है, आप लोग देख सकते हैं, ये जाएगा ब्लेंडर में। यहाँ मैंने शामिल कर दिया है एक कप दूध। अब मैं इसमें डालूंगी कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर जा रहा है अब इसमें, और अब ये बेकिंग पाउडर है जो कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम है, 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा ज्यादा है, और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। अब मैंने इसमें 2 पैकेट रियो बिस्किट्स के भी शामिल कर दिए हैं, और अब मैं इसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा केक का बैटर तैयार हो गया है, जो कि बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अब इस पतीली में मैं बना रही हूँ केक, तो इस पतीली को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। दरमियानी आंच पे मैं इस पतीली को 5 मिनट तक के लिए रखूंगी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि मैं केक का बैटर जो है वो इस वाली पतीली में डालूंगी, और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो मक्खन से भी कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पतीली में डाल दिया है केक का बैटर, और अब मैं इस बड़ी वाली पतीली में डाल दूंगी इस छोटी वाली पतीली को। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डाल दिया है बड़ी वाली पतीली के अंदर छोटी वाली पतीली, ठीक है। तो अब इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की आंच करके इसको मैं पकाऊंगी 45 मिनट्स तक के लिए, और 45 मिनट्स के बाद हमारा केक तैयार हो जाएगा तकरीबन। और मैंने इसका ढकना भी ढक दिया और ऊपर से बट्टा भी रख दिया है ताकि अच्छे तरीके से भाप में केक बन जाए 45 मिनट्स के अंदर अंदर ही, ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अच्छा, अब मैं केक की टॉपिंग के लिए चॉकलेट सॉस तैयार कर रही हूँ। जो एक रियो का पैकेट बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसमें मैं बिल्कुल 1/2 कप से भी कम, यूं समझ लें कि 4 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। 4 टेबलस्पून मैं इसमें दूध डाल चुकी हूँ। अब 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कोको पाउडर, और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा, मैंने ना इसको ब्लेंड करा तो ये सही से ब्लेंड नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें दूध जो है वो थोड़ा कम था, तो मैंने 2 टेबलस्पून और जो है वो दूध डाल दिया है। तो आप लोग देख लेगा, अगर आपको मतलब कम लग रहा हो तो फिर आप जो है वो 1-2 टेबलस्पून जो है वो दूध डाल के देख लेगा, ताकि जो इसका चॉकलेट सॉस है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अच्छा, जब चॉकलेट सॉस को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं चीनी डालूंगी, बस 1 टेबलस्पून ही, इससे ज़्यादा नहीं, और फिर इसको दोबारा मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। अब आप देख सकते हैं 1 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मैंने चीनी डाल दी है, और इसको मैं दोबारा अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी, और दूध देख लेगा खुद ही आपके कितना डालना है चॉकलेट सॉस में, क्योंकि मैंने जो है वो इसमें 7 से 8 जो है वो टेबलस्पून दूध डाला है, तो जो चॉकलेट सॉस है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेगा, मैं तो बस 1 रियो के पैकेट का जो है वो चॉकलेट सॉस तैयार कर रही हूँ। तो आप लोग देख लेगा कि आप किस तरह से इसमें दूध डालें, ठीक है, बिल्कुल पतला भी ना हो और गाढ़ा भी ना हो। अच्छा, मैंने 45 मिनट्स के बाद देखा था तो हल्की सी कसर थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं 5 मिनट के लिए और रख देती हूँ ताकि जो है वो ये अच्छे तरीके से बन जाए।
और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है केक। और अब मैं इसको ठंडा करूँगी 10 मिनट के लिए ताकि ये पतीली से आसानी से बाहर निकल के आए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस केक को। जी मैंने इसे पतीली से निकाल दिया है प्लेट में और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है दिखने में। और अब जो मैंने चॉकलेट सॉस तैयार की थी वो मैं इस पे डालूंगी। अच्छा आप लोग देख सकते हैं जो मैंने चॉकलेट सॉस बनाया था वो मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है पूरे केक पे, और ये बहुत मज़ेदार केक तैयार हुआ है। और ये चॉकलेट सिरप जो है ये बहुत डिलीशियस है, इस केक के साथ ये चॉकलेट सिरप बहुत अमेजिंग लगता है। ये केक बच्चों को और बड़ों को दोनों को बहुत पसंद आएगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत आसान भी है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।